अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में बड़ा मजा आने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बस जी, मेरे सलून के स्टाफ ने जिद पकड़ ली कि हमने ईद पे इतना सारा काम किया है तो हमें कहीं घुमाने ले जाएं, और बगैर किसी प्लानिंग के पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना लिया। और मजे की बात यह है कि कोई गाड़ी भी अरेंज नहीं हो रही थी एंड टाइम पे, और बड़ी मुश्किलों से ये सुजुकी अरेंज हुई। बड़ा फसफसा के हम लोग 14 लोग इसमें बैठ ही गए आखिरकार। स्टार्टिंग में प्लान था गडानी बीच जाने का, लेकिन वहाँ कोई स्ट्राइक की वजह से रास्ते बंद थे तो वहाँ जा नहीं सकते थे, लेकिन मेरी मछलियों ने कहा कि हमें पानी ही चाहिए तो इस वजह से फिर सीवीओ बीच आ गए। वैसे मुझे पर्सनली ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। कोई 10-12 साल बाद मैं इस बीच पर आ रही हूँ, लेकिन इन लड़कियों के साथ आके ना मुझे बड़ा मज़ा आया। यार मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कभी कभी खुशियाँ खुद ढूंढनी चाहिए, चाहे वो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करके, आउटिंग करके। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी जगहों पे जाएं, बड़ी जगहों पे जाएं। कभी कभार इस तरह की बग़ैर प्लानिंग वाली पिकनिक और छोटे मोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करके भी बड़ी खुशी मिलती है। मेरे कहने का बस मकसद यही है कि लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी टेंशनें होती हैं, इतने सारे काम होते हैं और परेशानियाँ होती हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कभी कभार इस तरह की छोटी मोटी पिकनिक्स बना लिया करें और छोटे मोटे से सेलिब्रेशन कर लिया करें। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, किसी की एनिवर्सरी होगी, उसको सेलिब्रेट करके तो बस खुद ही इंसान अपनी खुशियाँ ढूंढता है। तो बस जी, हमने तो बड़ा इंजॉय किया, कैमल राइडिंग की, हॉर्स राइडिंग की, और इसके अलावा पानी पूरी खाई। और यकीन माने ये पानी पूरी बिल्कुल बेकार थी, लेकिन यार ठेले पे खड़े होके खाने का तो मज़ा अपना ही होता है। और फिर इसके बाद हम निकल गए एक पार्क के लिए। हमने सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया ना, गाड़ी के अंदर ही एंजॉय किया है। और यहाँ हम आ गए एक पार्क में। अच्छा, मैं इस मामले में बड़ी लकी हूँ कि मुझे सलून का जो भी स्टाफ मिला है ना, बड़ा अच्छा मिला है। मेरा तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, सारी की सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं। हम जब भी कहीं एक साथ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
और जी ये है हमारा लास्ट स्टॉप बारबेक्यू शनिवारी, और यहाँ का मुझे एम्बियंस बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली इनका रूफ टॉप, वहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। चलिए आप भी देखें, आगे चल के मैं दिखाती हूँ। और यहाँ हमने पी चाय, यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, बहुत ही मज़े की चाय होती है इनकी। बस ये ओवरऑल हमारी पिकनिक बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो बस फिर चाय के साथ करते हैं अपने व्लॉग को एंड। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।